लेकिन इत्थे आके बंदा बेबस हो जाता है, ये बस नहीं चलता, ये भाणा है मनना पैना। अच्छा लग्या इन्ना सुकून है कि असी इन्हां दे दुख च शरीक हो सके, थोड़ा बहुता जिहड़ा इन्हां दा भार है वह हंडा सके। नवजोत सिंह सिद्धू दे ताजपोशी समागम दे विच जा रहे काफले दे विचों मिनी बस अते पंजाब रोडवेज दी बस दे नाल टकरा जाण दे नाल तीन व्यक्तियां दी मौके ते मौत अते कईयां दे जख्मी हो जाण तों बाद ताजपोशी तों अगले दिन नवजोत सिंह सिद्धू खुद उन्हां परिवारां दे नाल दुख साझा करन दे वास्ते पहुंचे ने। दसण वाली गल इह है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रधानगी दा समागम चंडीगढ़ विखे कांग्रेस भवन दे विच रख्या गया सी, जिस विच पंजाब भर तों हजारां लोक पहुंचे सन। इस तरह विधायक कुलबीर सिंह जीरा की अगवाई दे विच पिंडां दे विचों सरपंच अपने साथियों नूं नाल लैके इस समागम दे विच बसां अते कारां दे उपर गए सी। इस तरह पिंड मलसियां दे सरपंच बलवीर सिंह मिनी बस दे राही पिंड वासियां नूं अपनी अगवाई दे विच लैके जीरा तों चंडीगढ़ वास्ते निकले सी। अते जदों मोगा दे पिंड लोहारां दे कोल पहुंचे तां सड़क ते बने स्पीड ब्रेकर तों बस दे जंप करन दे नाल बस दे पटे टुट गए, जिस नाल बस दा संतुलन विगड़ जाण दे उपर सामने तों आ रही पंजाब रोडवेज दी बस दे नाल उन्हां दी बस जट टकराई, जिस नाल मौके ते ही तीन व्यक्तियां दी मौत भी हो गई, जिन्हां दे विचों एक व्यक्ति जो बस दा ड्राइवर गुरदेव सिंह पुत्र मोहन सिंह जीरा दे पिंड कुद्दोवाल दा सी अते दो व्यक्ति विरसा सिंह पुत्र बलकार सिंह अते सुखदेव सिंह उर्फ विक्की पुत्र जसपाल सिंह पिंड मड़शियां कलां दा रहण वाला सी। इस दौरान हादसे दे विच गंभीर रूप दे विच जख्मी भी हो गए सी, जिन्हां नूं मोगा फरीदकोट लुधियाणा अते अमृतसर दे हस्पतालां दे विच दाखल भी करवाया गया सी। अते इस सब तों इलावा नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों इन्हां दे परिवारां दे नाल दुख साझा कीता गया। अज जिहड़ी कांग्रेस दे विच बड़ा उत्साह जशन वाला दिन सी, साढ़े नवे प्रधान जी ने अहुदा संभालना सी, उन्होंने एक्टिंग प्रेजीडेंट ने, पर बड़ी मंदभागी घटना हुई है। सो नवजोत सिद्धू जी उन्होंने नाल जिहड़े कैबिनेट वजीर हैगे ने वह आए आ, एम एल ए साहबान आए हैं। सो इस जिहड़े मरीज सीगे हादसे नाल ग्रस्त उन्हों का जिथे पता लिया उ जिथे जिन्हों की डैथ हो गई उन्होंने अफसोस करना है। और वो नुकसान है जिसकी भरपाई कोई इररिपेरेबल लॉस साड़ी पग सी परिवार से। तो मैं थोनू एक गल आप बीती कह सकता कि जीरा मेरे गल नाल लग के चार बार, लेकिन इत्थे आके बंदा बेबस हो जाता है, ये बस नहीं चलता, ये भाणा है मनना पैना, मंद पग है। और ये जे असी कहीए जी सरकार ने अज 5 लाख की मदद करती, पर ये कोई ये कितना घाट कोई पूरी कर, ये कोई इंसानी जीवन का कोई मोल थोड़ा ना, कोई मतलब उन्होंने पुछ के वेखो जो रोंदा है, है? असी तो भार थोड़ा जा घटा सकते हैं, उन्होंने गल ना ला सकते हैं, और ये कह सकते हैं भी भाई तू साडा परिवार है, असी तेरे दुख नूं माड़ा मोटा हंडा सकते हैं, पर इहदी भरपाई नहीं कर सकते। इत्थे आके बंदा बेबस हो जाता है, बंदा एकदम दा ये नहीं पता मोड़ मुड़ना नहीं मुड़ना। इस करके अज एक दिन यह जिहा सीगा कि मैं सोचा कि मैं रात नूं सौ नहीं सकूँगा जी, मैं इत्थे तो भाजी भी हर पल यही कहिंदे रहे भी आपां उत्थे जरूर जाइए, उत्थे जरूर जाइए, उत्थे जरूर वड्डे ने सेध दिंदे हमेशा। अच्छा लग्या इन्ना सुकून है कि असी इन्हां दे दुख च शरीक हो सके, थोड़ा बहुता जिहड़ा इन्हां दा भार है वह हंडा सके। परिवार नाल गल कीती, परिवार ने कुछ गल कही हो? नहीं, वो देखो जदों मेरा प्यो गया सी, जे इन्ने ही तगड़े हुंदे बंदे ते माँ प्यो नूं बचा लैंदे, जदों मेरा प्यो गया सी मैनूं टाइम ने सुरती ही नहीं सी कितें, उह तां गल्लां करदा तगड़ा साडे नाल, असह अकह इहदा कोई बयान नहीं कर सकदा इंसान। मैं क्या एक गल सुन लो, सरकार ने 50,000 ना उसके 50 लाख लगे भवान, साडा परिवार है वो, साडी पग है वो, कोई वो कोई वो नहीं दिक्कत नहीं। मैं अमृतसर भी गल की है तो बहुत बहुत ही चंगा हॉस्पिटल है, उत्थे भी सीरियस ने। तो बाकी जिहड़े इत्थे मोगे जाके आए हैं वो DMC दे विच वो आउट ऑफ डेंजर ने। तो जीरा इको गल कहिंदा सीगा पुत्रां वांग है कि असी एक महीना लावांगे और साडे वास्ते सब तो वड्डी संतुष्टि ये होएगी भी वो आपदे घरे वापस। मोगा तो दीपक भार्गव दी रिपोर्ट।
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ।